निकाय चुनाव में आरक्षण की बात को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और समाजवादी पार्टी भाजपा को लेकर अग्रेसिव हो गई कि पिछड़ा विरोधी भाजपा है जवाब में भाजपा ने भी तमाम बातें कही हैं सपा के उत्तर प्रदेश के मुखिया नरेश उत्तम पटेल हमारे संग मौजूद हैं फिर वही बात दोहराई जा रही है सर आपकी तरफ से कि सपा बीजेपी पर आरोप लगा रही है बीजेपी पिछड़ा विरोधी है और बीजेपी तो शाम तलक कह रही है कि बिना आरक्षण का हक दिलाए चुनाव निकाय का नहीं कराएंगे क्या कहिएगा आप लोग क्यों ऐसी नो बताई क्यों नहीं अदालत के अंदर इन्होंने अपना पक्ष रखा सही तथ्य क्यों नहीं रखी ये नौबत क्यों आई है आज जनता को जिस तरीके से गुमराह कर रहे हैं लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं चुनाव की तैयारी करने वालों के दिलों से पूछिए वो आरक्षित वर्ग के लोग हों या अनारक्षित वर्ग के लोग हों सबके सामने इन लोगों ने बहुत बड़ी परेशानी कर दी है इनकी नियत में खोट था कि किस तरीके से आरक्षण को खत्म किया जाए लेकिन जनता जागरूक है और पिछड़े वर्ग के लोग अपने हकों के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हैं चुस्त हैं और जो भी इसमें कदम होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके हम लोग करेंगे सर जातिगत जो अधिकार है बीजेपी नहीं दिला रही है पर बीजेपी जवाब में कह रही है कि सबसे ज्यादा सांसद सबसे ज्यादा विधायक इस अब तक में कभी भी बने हैं ओबीसी से या एस सी समाज से तो बीजेपी ने बनाए हैं बीजेपी के सदस्यों के सदस्य बनकर आए हैं इनका जो ये जवाब है इसे कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना की पक्षधर है समाजवादी पार्टी चाहती है कि सभी जातियों को विशेष करके पिछड़े वर्गों की गिनती कर ली जाए हर जाति की गिनती कर ली जाए ताकि किसी के हक तलफी न होने पाए ये समाजवादी पार्टी शुरू से मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना हो जाए और जातिगत जनगणना कर लें तो ये सब नौबत नहीं आवई सबको उनको अपना हक मिलेगा अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी खिलाफ है ओबीसी रिजर्वेशन के ये मैसेज समाज तक लेके जाने की तैयारी संविधान बचाओ यात्रा ये सब तमाम चीजें चल रही हैं कैसे करेंगे आप मैसेज तो जान गए लोग की भारतीय जनता पार्टी की नियत में खोट था इसीलिए नौबत आई है पिछला वर्ग के लोग जागरूक हैं जानकार हैं समझदार हैं इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यह कहना पड़ा है संविधान बचाओ यात्रा की भूमिका बताइए जरा क्या रहेगा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका। देखिए संविधान बचाओ हमारे इस कार्यक्रम होते रहते हैं हम लोग संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं कि संविधान से ये देश चलेगा देश चल भी रहा है और संविधान से ही हम सब लोग मजबूत होंगे और संविधान को माने सब रणनीति क्या रहेगी ये मैसेज लेकर जाना है संविधान बचाओ यात्रा भी इसमें आप लोग जोड़ रहे हैं क्या रणनीति रहेगी ये जो पिछड़ आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने गड़बड़ी की है उसको लेकर मैसेज क्या लेकर जो भी रणनीति होगी हम अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानी श्री अखिलेश यादव जी और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके अगला कदम करेंगे तो देखिये नरषोत्तम पटेल जो बता रहे हैं कि रणनीति आगे की अखिलेश यादव जी के आने के बाद ही तय की जाएगी क्रम से राजेश पांडे के संगी न्यूज लखनऊ